हेलो एवरीवन, आई एम शुभम शरावत, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एमएमसी अग्रोवा। सो ठंड इधर कम है कंपैरेटिवली रिलेटिव टू हिसार, बहादुरगढ़ तो इतना ज़्यादा ठंड नहीं है। लेकिन और अभी खेलने का प्लान था हमारा रात को, देखो आयुष तो उठाई नहीं, कुणाल ने फ़ोन तो उठाया, कम से कम टाइम लगेगा उसको अभी आने में। अभी यहाँ पर जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर, चलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ओके शुभ, बाय। हेलो, अरे भाई आ जाए, अरे उठा ही नहीं अभी तक फिर से। चल फिर आजा, इन दोनों से सुबह तैयार ही नहीं हुआ जा रहा है, ये उठ ही नहीं पा रहे। तो इनको फ़ोन करता हूँ, फिर हाँ बोल के फिर सो जाते हैं। तो दोबारा किया, इस बार तो मैंने कहा कि जल्दी कर ले, फिर धूप हो जाएगी, ना खेला जाएगा ना कहीं के नहीं रहेंगे हम। हेलो, हाँ भाई बुला ले मैं उनको भी। अरे मेरा ये प्लान है कि साफ लाप वो खाने चलेंगे पराठा अभी खेलने के बाद। क्यों? मीट माय बैडमिंटन का गुरु इसी ने मुझे सिखाया है सब कुछ बैडमिंटन में। अभी हम बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, तो हमारी एकेडमी का नाम क्या है? अनबीटेबल्स एकेडमी। और आयुष ने हमारी एकेडमी का नाम बिल्कुल ख़राब कर दिया, वो भी आ गया थर्ड। मैं तो चलो अपने कॉलेज में फर्स्ट ही आया था मिक्स डबल्स में। सो गुरु जी कैसा लगा आपको मेरा ये बात सुन के? मैं फर्स्ट आया था, दिल से बहुत खुश होते हैं। चलता रहे इसी बात। और आयुष के लिए मुंह दिखाने लायक आउट कर दिया, उसको हटा दिया जाएगा एकेडमी में से। नाम काट दो, रजिस्टर लिया इसमें, ठीक है। और आ गया हमारा आलसी पुरुष अपनी स्कूटी लेके। अनबीटेबल एकेडमी में जाना है, तूने तो बीटेबल बनवाया। तो अभी हमारे अनबीटेबल एकेडमी के आगे खड़ा हूँ मैं। कोच सर गेट तो खोलिए, आज गार्ड नहीं आया ना। और हमारी अकेडमी देखना, टड़ा एक कोर्ट इसी में खेलते थे हम लॉकडाउन में, सारा लॉकडाउन हमने यहीं पे बैडमिंटन खेलते हुए गुजारा है। अभी हमारा प्लान चेंज हो गया है, अब हम बैडमिंटन नहीं खेल रहे हैं, अब हम जा रहे हैं पराठा खाने सुबह सुबह। अरे ना रोको भाई, हम आ गए अपने ढाबे पर और ऐसे नाक में से बिल्कुल ऐसा पानी निकल रहा था और हाथ सुन सुन पड़ गए हमारे, इतनी ठंड है। तो स्कूटी पे तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, आग जलाओ भाई कोई। बहुत बड़ा पराठा मिलता है यहाँ पे। ये पराठा जम्बो पराठा भाई साहब, देखो कितना बड़ा ये रखी पूरा लाद है। बैठ सकता तू पूरा बैठ जाए आदमी, तो ये खाया जाएगा या नहीं देखते हैं। एचआर विक्ट्री, हमने सारा कंप्लीट कर ही दिया, एक टुकड़ा बचा आखिरी में। तो आयुष कह रहा था कि यार वो नाम खराब मत कर, वो भी खा ले, बट भाई खाया नहीं गया वो। सबसे ज़्यादा मैंने खाया है, साढ़े तीन स्लाइस खाई है मैंने, बाकी आज कुणाल ने कम खाया क्यों, बिकॉज इसका दो जगह का न्योता रखा है, मतलब कि इसको अभी जाना है। तो सोच रहा था कि इधर पराठे खाएंगे, उससे अच्छा तो वहाँ पे जाके कुछ खाना ही खा लेगा। पराठा वॉज वेरी गुड, साइज में बड़ा नहीं था, टेस्ट भी अच्छा था। साढ़े नौ हो गए हैं, अभी हम पराठा तो खाए, अभी कुणाल भी कह रहे थोड़ी देर खेल लेते क्रिकेट, थोड़ा पच जाएगा जो भी खाए। स्कूटी पे जाते हैं खाए कि नुकसान है, बस आँख में जो मिट जाते हैं ना थोड़े रगड़ लो आँख, बिल्कुल लाल हो जाती है, इतनी जलन सी मचती है आँख में,
अभी ये लोग खेल ही रहे हैं, मैं वापस पार्क में आ गया। पापा को स्कूटी चाबी देने गया था एक बार, अब देखते हैं नहाना है घर जाके, तो शाम को बाहर निकलेंगे। अब तो कुणाल के पंप के अभी इसमें हवा भरेंगे आयुष की गाड़ी में, और कुणाल को पता ही नहीं था कि इसका पंप आयुष के पास पड़ा है। जब पता नहीं मेरी स्कूटी पंचर हुई थी तब लेके आया था। क्या प्लान है तुम्हारा, तो जाना नहीं आयुष? तो लंच कर लिया अभी मैंने, पापा को कुछ काम है तो बाहर जा रहा हूँ पापा के साथ। काफ़ी थकान हो गई थी मुझको, तो मैं काफ़ी देर सो गया। अब मैं उठा था तो फिर लंच किया था बस, फिर उठते ही अभी पापा के साथ आ गए। वो मैं अभी फ्रंटियर के फैक्ट्री आउटलेट पे आया हुआ हूँ, तो कुछ काजू पिस्ता वाले इनके बिस्किट लेने हैं मुझको एक किलो। अभी मैं शॉपिंग सेंटर आया हूँ क्योंकि डेंटिस्ट आ चाह रहे हैं, तो उनके लिए बिस्किट वगैरह जूस ले लेना। अभी घर आया हूँ और मैं मोमोज ना खाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो अभी मैं और आयुष कुणाल अभी बैडमिंटन खेलने के लिए निकले हैं, लेकिन बैडमिंटन से पहले एक प्लेट मोमोज तो बनता है यार। अभी बैडमिंटन में लगा था 3 मैच जीत गया मैं और कुणाल, तो अब चलते हैं। अभी खेल कर आया था, पसीने आ रखे हैं, कपड़े चेंज करूंगा शायद से ना हूँ, और खाना खाते हैं फिर। दैट्स द एंड ऑफ द डे, होप यू ऑल आर डूइंग गुड।